हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे छोटी से छोटी पॉइंट से लेकर के बड़ी से बड़ी पॉइंट के बारे में कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें सुन के आप झूम उठेंगे। सो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें तो इसका आज़ादी यानी कि कब दोनों आज़ाद हुए थे। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान पाकिस्तान की, तो ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 14 अगस्त 1947 फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। सो दोस्तों, ये बात गलत है, ऐसा नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे लिख दिया गया सिर्फ ये बताने के लिए कि आज़ाद हुआ था। बट आपको रियलिटी बताएं तो आपको ये पता होगा कि ये आज़ाद न होकर के भारत से अलग हुआ था इस टाइम पर, ठीक है। और बात करें इंडिया की, तो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, उनसे हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। सो ये दोनों थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेज है कि दोनों अलग अलग दिन आज़ाद हुए थे। फिर बात करें नेक्स्ट की, सेकेंड नंबर पे एरिया। दोस्तों बात करते हैं इसके एरिया के बारे में, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान का जो एरिया है वो है 881,913 किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर जो भी कहें, लेकिन वर्ग किलोमीटर जगह ज़्यादा सही रहेगा। फिर बात करें इंडिया की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर इसको सिंपली भाषा में बताऊँ तो आपको बता दूँ इसका जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करें इसमें जमीन के बारे में, तो पाकिस्तान का जो लैंड है वो आप देख सकते हो 97.14% है। इंडिया का जो लैंड है वो कितना है? 90.4%। फिर वाटर की बात करें तो पाकिस्तान में 2.86% वाटर है। फिर बात करें इंडिया के वाटर की, तो यहाँ पे 9.6% इतना वाटर है। फिर अगर हम बात करें दोनों के समुद्री इलाके की, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान में समुद्री इलाका सिर्फ और सिर्फ 1,046 किलोमीटर है। वहीं बात करें अगर इंडिया के समुद्र तट की, तो बात देख लीजिए यहाँ पे है 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि इंडिया में अगर बात करें समुद्री तट रेखा की, तो इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। जमीन भी पाकिस्तान की कम है, तो वैसे भी पता है जमीन कम है, पानी भी पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम है। सो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अगर हम बात करें दोनों जगहों की गवर्नमेंट के बारे में, तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट है, और बात करें इंडिया की तो यहाँ पे संसदीय, दोनों जगह पे गणतंत्र यानी कि गणराज्य है। लोग कह सकते हैं इस तरह से जो पहले राजा महाराजा का था उस तरीके से नहीं है, दोनों जगहों पे चुनाव होते हैं, इसलिए गणतंत्र है। और यहाँ पे इस्लामिक शासन प्रशासन चलता है और यहाँ पे संसदीय प्रशासन चलता है। ये दो बातें, इन दोनों देशों में डिफरेंस है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कैपिटल। दोस्तों अगर बात करें पाकिस्तान के कैपिटल की, सबको पता है कि पाकिस्तान का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के स्टेट के बारे में और भी बहुत सारी अन्य चीज़ों के बारे में। सो देखते हैं नेक्स्ट बातों को। देखिए अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कुल कितने स्टेट हैं? फिलहाल 28 हैं। इससे पहले जब 370 धारा हटा था, तो उस टाइम पे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि घटा नहीं है, दो को एक में विलय कर दिया गया है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक में विलय कर दिया गया। तो ये क्या हो गया कि हमारे यहाँ 9 से घट करके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर यही बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में राज्य और हमारे जैसे यहाँ राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिए होता है कुछ क्षेत्र होते हैं और कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं, जिनमें से आप देख सकते हो यहाँ पे चार ऐसे, यहाँ पाकिस्तान में चार क्षेत्र बड़े बड़े हैं और दो मुख्य क्षेत्र हैं यहाँ के, इस्लामाबाद करके हैं और ऐसे ही दो मुख्य हैं, और यहाँ पे ये चार मुख्य क्षेत्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें भाषा की, तो इंडिया की आप देख सकते हो 22 भाषाएं बोली बोली कही जाती हैं। बोलने में तो लगभग 1,000 कुछ भाषाएं, 1,000 के 10,000 के करीब में भाषा है हमारे इंडिया में। लेकिन अगर मैं बात करूँ संविधान की, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। फिर यही बात करें अगर पाकिस्तान के भाषा की, तो पाकिस्तान में 14 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया में बैंक की बात करें तो बैंक की संख्या 123 है इंडिया में। फिर पाकिस्तान में बैंकों की संख्या आप देख सकते हो केवल 62 है। बात करें स्कूल की, तो इंडिया में लगभग 15 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं, पाकिस्तान में 2,45,200 स्कूल हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं फिलहाल करंट टाइम में। यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में 1,113 यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तान में 218 यूनिवर्सिटी है। बात करें स्पेस एजेंसी की, तो आपको बता दें कि इंडिया में, आपको स्पेस एजेंसी पता है इसरो के बारे में, जिसने कई सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, अभी मंगलयान चंद्रयान ऐसे कई सारी चीज़ें की हैं। और यही बात करें अगर पाकिस्तान में, तो शायद आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में भी कोई स्पेस एजेंसी है। लेकिन आपको बता दूँ, हाँ पाकिस्तान में भी स्पेस एजेंसी है। अगर इस स्पेस एजेंसी की बात करूँ तो आपको बता दूँ ये जो स्पेस एजेंसी है पाकिस्तान का, ये स्पेस एजेंसी इंडिया का जो स्पेस एजेंसी इसरो, इसका जब स्थापना हुआ था उसके 8 वर्ष पहले ही हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ,
पाकिस्तान में स्पेस एजेंसी यानी कि सुपर कू की जो स्थापना है इसरो के 8 साल पहले ही हो गया था, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी पाकिस्तान में सुपर कू की, तो इसरो का कहीं अता पता भी नहीं था। लेकिन अगर करंट टाइम की बात करें तो पाकिस्तान में ये जो सुपर कू है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत पहले स्थापित तो हुआ था, लेकिन करंट टाइम में ये चलता नहीं है। ऐसा हो गया कि ना के बराबर हो चुका है, यानी कि कुछ इस समय उसने कुछ लॉन्च वगैरह नहीं किया है। लेकिन अगर हम बात करें इसरो की, इसरो के बारे में सबको पता है कि हर साल कुछ न कुछ नया करता रहता है। इसरो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है और आज के टाइम में पाकिस्तान से 8 साल बाद ये लॉन्च तो हुआ, लेकिन आज के टाइम में पूरी दुनिया में इसरो फेमस है और पाकिस्तान की एजेंसी का कहीं नामो निशान नहीं है। सो दोस्तों, आज से आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान में भी एक स्पेस एजेंसी है। बात करें सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर भी थोड़ा कंपेरिजन मुझे बहुत ज़्यादा वो तो नहीं लगा, लेकिन सोचा बता दो आप लोगों को कि, लेकिन अगर बताऊँ तो पाकिस्तान के आप देख लीजिए कोई भी सुपर कंप्यूटर पाकिस्तान में नहीं है। अगर हैं तो थोड़े बहुत ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो पाकिस्तान के पास अपना खुद का कंप्यूटर नहीं है। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास लगभग 40 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हैं। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर हम 10,000 कंप्यूटर बना था, तो वैसे ही धीरे धीरे इंडिया ने कई सारे सुपर कंप्यूटर बनाए और अभी फिलहाल में इंडिया में मोर देन 40 यानी कि 40 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर इंडिया में है। सो दोस्तों, ये थोड़ी सी बात रही स्टेट यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ के राज्य, लैंग्वेज, बैंक, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्पेस और सुपर कंप्यूटर के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की बात करें तो आपको बता दें इस एज स्ट्रक्चर यानी कि दोनों देशों में किस एज के कितने लोग हैं। फिलहाल ये जो आंकड़े हैं दिन मतलब डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। अभी फिलहाल के आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में 0 से लेकर के 14 वर्ष के 35% लोग हैं, यानी लोग क्या बच्चे कह सकते हैं आप। फिर 15 से 64 वर्ष के लोग 61% है। फिर वही बात करें अगर हम बुढ़ों की यानी कि जो बुजुर्ग हैं ओल्ड हैं ओल्डेज हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे 4% लोग हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या भी कम है, इंडिया की जनसंख्या तो इससे भी ज़्यादा। जनसंख्या के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया कि कितनी है कितनी नहीं है, सॉरी ऊपर नहीं बताया, अभी आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ का पॉपुलेशन कितना है और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है। फिर बात करते हैं हम यहाँ के इंडिया के बारे में, इंडिया में कितने बच्चे हैं 26%, अभी कहाँ से 0 से लेकर के 14 वर्ष के लोग बच्चों तक। फिर बात करें 15 से 64 वर्ष के लोग कितने हैं 67%। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पर 65 वर्ष या उससे अधिक की बात करें तो कितने लोग हैं 7%। यानी कि अगर जनसंख्या के मामले में बात करें तो पाकिस्तान में बच्चों की जो संख्या है इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। फिलहाल के लिए ज़्यादा होगा लेकिन आने वाले टाइम में अभी धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। बुजुर्गों की संख्या बात करें और जो किशोरी यानी कि कह सकते हैं जो टीन है उनकी बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में ये ज़्यादा है। फिर बात करें नेक्स्ट की तो आपको बता दें पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान में 227। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करें तो आपको बता दें पाकिस्तान में कुल 227 मिलियन लोग हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, अगर इंडियन भाषा में मैं आपको बताऊं तो लगभग यहाँ पे 22 करोड़ 70 लाख लोग हैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 1.39 बिलियन, यानी अगर इंडियन लैंग्वेज में बात करूँ तो आपको बता दो 139 करोड़, यानी कि लगभग अगर इसके आगे का पॉइंट तो मैंने नहीं लिखा है, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ इंडिया में है। अगर रैंक की बात करूँ तो दुनिया में दूसरे नंबर पे हमारा देश आता है जनसंख्या के मामले में, पहले नंबर पे चाइना आता है और यही पाकिस्तान की बात करूँ तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। दोस्तों ये रही इसकी जानकारी पॉपुलेशन की। ऊपर मैंने आपको बताया, इससे पहले जो मैंने आपको बताया है उससे मैंने ये बताया कि हमारे यहाँ बच्चे कितने हैं, तब पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं, इंडिया में कितने बच्चे हैं, किशोर कितने पाकिस्तान में, इंडिया में कितने किशोर हैं, बूढ़े कितने हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी बुजुर्ग कितने हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जनसंख्या के बारे में रहा। बात करें नेक्स्ट की तो दोस्तों नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, यानी जनसंख्या जो हमारे यहाँ है उसमें कितने लोग साक्षर हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की साक्षरता दर जो है वो 63% है, यानी वहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से 63% लोग साक्षर हैं। वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया के जितने भी लोग हैं उनमें से कुल में से 75% लोग साक्षर हैं। यानी अगर हम बात करें साक्षरता दर की तो इंडिया में ज़्यादा साक्षर हैं किसके मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है फेमस लैंडमार्क, यानी दोनों देशों में कौन सी जगह सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम फेमस जगहों की बात करें तो पाकिस्तान में बादशाही मॉस्क्यू है, यानी कि कह सकते हो कि बादशाह का मस्जिद है, बादशाही मस्जिद कह सकते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको तो यहाँ पता है सबसे फेमस कौन सा है, ताजमहल। अब अगर इन दोनों की हम थोड़ी सी बात कर लें कि इसको बनवाया किसने था, सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आप जान लो कि जो ये ताजमहल है इसको शाहजहां ने बनवाया था और ये जो बादशाही मस्जिद है इसको औरंगजेब ने बनवाया था। अब शाहजहां और औरंगजेब में क्या रिश्ता है आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि
कि शाहजहां का बेटा जो था वो था औरंगजेब, और औरंगजेब ने, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल, और उसके बेटे औरंगजेब ने बनाया था बादशाही मस्जिद। और ये जो मस्जिद है हूबहू मिलता है, जो कि शाहजहां ने हमारे यहाँ बनवाया था जामा मस्जिद, उसी से हूबहू मिलता जुलता ये जो मस्जिद है यहाँ का, ये बादशाही मस्जिद है। सो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी रही। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। यस दोस्तों ये हुई ना बात। अब यहाँ हम बात करते हैं GDP, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया की GDP कितनी है, पाकिस्तान की GDP कितनी है, दोनों की GDP कितनी है, कौन सा देश कितना ज़्यादा अमीर है, कौन सा देश कितना ज़्यादा गरीब है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो GDP आप देख सकते हो लिखा गया 299 बिलियन US डॉलर, वहीं अगर इंडिया की GDP की बात करें तो 3.1 ट्रिलियन US डॉलर है। ठीक है, तो GDP के मामले में जो हमारा भारत है पाकिस्तान से आगे है। और अगर हम रैंक की बात करें वर्ल्ड वाइड की दुनिया में, हमारे हमारा इंडिया किस नंबर पे, पाकिस्तान किस नंबर पे है, तो अगर हम अमीर देशों की बात करें दुनिया में तो आपको बता दें भारत 6ठे नंबर पे है और पाकिस्तान 46 नंबर पे है, यानी कि भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। सो दोस्तों ये रहा GDP के मामले में कि हमारा इंडिया आगे है पाकिस्तान से। सो बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं अब जो नेक्स्ट है वो है दोनों देशों की मिलिट्री के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों देशों की मिलिट्री के बारे में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री को PFA कहा जाता है और हमारे यहाँ की मिलिट्री को IFA, यानी कि इंडिया। अगर हम रैंक की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो मतलब यहाँ की आर्मी है उसका जो रैंक है दुनिया में वो 9वें नंबर पे है और इंडिया की 4थे नंबर पे। यानी अगर हम बात करें टोटली दुनिया में हमारे देश की जो सेना है वो 4थे नंबर पे आती है, सबसे बड़ी सेना की बात करें तो 4थे नंबर पे आती है, पाकिस्तान का 9वें नंबर पे आता है। एक्टिव है, अगर एक्टिव और रिजर्व सैनिकों की बात करें तो पाकिस्तान में 1,247,000 सैनिक हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2,600,000 सैनिक हैं। अगर हम बजट की बात करें तो पाकिस्तान सालाना अपने यहाँ रक्षा बजट में 12.2 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। अगर हम यही बात करें इंडिया की तो इंडिया लगभग 73 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने यहाँ रक्षा बजट में, यानी कि इंडिया का रक्षा बजट भी ज़्यादा है, रैंक भी इसका बहुत ज़्यादा मतलब डाउन है पाकिस्तान का, इंडिया का तो हाई है। फिर बात करें एक्टिव एंड रिजर्व सैनिकों की, हमारे यहाँ सैनिकों की संख्या पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी मिलिट्री के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एयर पावर के बारे में, वो तो हमारे यहाँ सैनिकों की पावर होगी। एयर पावर की बात करें तो पाकिस्तान का आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कितने हैं, फाइटर जेट कितने हैं और हेलीकॉप्टर कितने हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो लगभग 1490 हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 357 फाइटर हैं, 364 हेलीकॉप्टर हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2,369 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। आप भी जानते हो अब धीरे धीरे इंडिया खुद का भी फाइटर जेट बना रहा है। तो आपको बता दें इंडिया में फाइटर जेट की संख्या 564 है, जो आने वाले टाइम में बढ़ भी जाएगी क्योंकि फिलहाल फाइटर जेट की संख्या बढ़ाई जा रही है और इंडिया में खुद निर्माण किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो लगभग 842 हेलीकॉप्टर हैं। ये दोनों देशों में थोड़ी रही एयर पावर के बारे में। सो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप टैंक, इंडिया और पाकिस्तान में कितने टैंक हैं, यानी हमारे यहाँ इंडिया में टैंक आर्मर्ड और कितना है पी प्रोजेक्टर, दोनों यानी तीनों की जो संख्या है पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। आप संख्या दोनों की देख सकते हो, यानी कि अगर लड़ाई हो जाए दोस्तों आप लोग खुद बताइए कि कौन जीतेगा। तो दोस्तों मनाइए लड़ाई ना हो, बाद में ये सोचिएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन यही मनाइए कि लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई से किसी का कुछ भला होता जाता नहीं है। ठीक है दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम देखते हैं नेवल पावर, यानी कि हमारे यहाँ नेवी की कितनी पावर है। नेवी की पावर की बात करें तो ये पाकिस्तान की नेवी, ये है इंडियन नेवी, दोनों में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो एकदम क्लियर व्यू में, इतना क्या है स्ट्रेंथ, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, दोनों की तीनों की संख्या कितनी कितनी है इंडिया पाकिस्तान में आप देख सकते हो। तो दोस्तों यानी अगर हम बात करें थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के मुकाबले में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले कितना है, काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अगर पावरफुल यानी ताकत के मामले में बात करें तो पाकिस्तान से इंडिया वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सबको पता है, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम बात करें नेक्स्ट की। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसके बाद आता है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन ये तो सबको पता होगा परमाणु बम के बारे में, कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास हमारे यहाँ से ज़्यादा परमाणु बम है, लगभग 165 से 170 हैं, लेकिन करंट टाइम में लगभग 165 लगभग करीब में। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 156 से 160, यानी कि अगर मैं करंट टाइम की बात करूँ तो 160 परमाणु बम है, यानी कि पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले 5 परमाणु बम ज़्यादा है परमाणु बम। दोस्तों इसके मामले में थोड़ा पाकिस्तान आ गया है। अगर रैंक की बात करें तो इंडिया इसमें 7वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान इसमें 6ठे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। ठीक है दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा टॉप अलायंस, यानी कि अलायंस मतलब हो जाएगा कि कौन से देश किसके ज़्यादा सहयोगी हैं। पाकिस्तान की बात करें तो
पाकिस्तान के जो सहयोगी देश हैं, मित्र देश हैं, चाइना, तुर्की, सऊदी अरबिया और भी फिर मलेशिया, यूएसए, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे देश जो हैं वो पाकिस्तान के सहयोगी देश हैं। बात करें इंडिया के सहयोगी देश की तो इसराइल, यूएसए, रूसिया, फ्रांस, कनाडा, फिर जापान है, मतलब आप ही यहाँ देख सकते हो, सिंगापुर भी इसमें है। तो ये जो देश हैं, ये जो देश हैं ये हमारे यहाँ इंडिया के सहयोगी देश हैं, इनका नाम आप दे सकते हो। बात करें पाकिस्तान के सहयोगी देश की तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे आगे चाइना है और इंडिया में सबसे पहले इसराइल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद यहाँ पे रूस ही करता है इंडिया की। तो दोस्तों ये हो गया दोनों के मित्र देशों की, किस किस के पास कितने मित्र देश हैं और कितने पावरफुल देश हैं, तो आप देख सकते हो, वैसे ही कंपेरिजन आप कर सकते हो। इसके बाद ही हम अलग अलग देशों का भी कंपेरिजन करेंगे, इंडिया वर्सेज चाइना, चाइना वर्सेज रूसिया, रूसिया वर्सेज अमेरिका, अमेरिका वर्सेज इंडिया, मतलब बहुत सारे देशों के कंपेरिजन करेंगे। अभी ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। पहला वीडियो है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है इसलिए माफ करना, लेकिन आने वाले वीडियो में ट्राई करूंगा कि सब कुछ सही सही हो। सो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा सबसे मेन मंथली इनकम की, इंडिया में कितने जो लोग हैं वो कितना पैसा कमा लेते हैं मंथली के हिसाब से, और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कितना कमा लेते हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज पर्सन यानी कि एक सामान्य व्यक्ति पाकिस्तान में $196 पर मंथ कमाता है। वहीं अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में एक सामान्य पर्सन यानी कि एवरेज पर्सन $215 मंथली कमाता है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस टाइम पे यहाँ की मंथली इनकम हो सकता है घट भी गई हो कई लोगों का, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनका मंथली इनकम बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है दोस्तों। सो अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो पहले के आंकड़े के हिसाब से यहाँ पे $196 है और इंडिया का $215 है। अगर इसके मामले में बात करें तो इंडिया इसके मामले में आगे है। फिर बात करें नेक्स्ट की, अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों इसके बाद आता है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। अगर गरीबी के मामले में देखा जाए तो पाकिस्तान में 10% लोग गरीब हैं, जितना भी पॉपुलेशन है। ये आंकड़े अभी हाल फिलहाल के हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं पाकिस्तान के, सिर्फ 10 नहीं काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 30% लोग गरीब हैं, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है उसका टोटल में से 30% लोग गरीब हैं। पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ की गरीबी भी पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा है। सो दोस्तों ये थोड़ी गरीबी की बात रही। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों, अब बात करते हैं खाने की। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिरयानी खाई जाती है, लगभग 47% यानी 47% लोग बिरयानी खाते हैं। अब बिरयानी सुनकर किसी के मुंह में पानी ना आए दोस्तों, आपको हम यहाँ से मिलने वाला नहीं है, बस आप वीडियो देखें। तो आगे बात करें मसाला डोसा यानी कि ये हमारे यहाँ दक्षिण भारत का बहुत ही फेमस खान पान है। अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये हो रहा है इंडिया में, इसलिए यहाँ का जो बेस्ट डिशेज है वो आप देख सकते हो मसाला डोसा है इंडिया का। लगभग 75 से 80% ऑफ साउथ इंडियंस ईट इट डेली, इसे रोजाना, यानी कि जो हमारे यहाँ के दक्षिण भारत के लोग हैं यानी कि साउथ इंडियन, वो इसको डेली खाते हैं लगभग 75 से 80% लोग। और यहाँ पे तो बिरयानी चलती है भाई, बिरयानी। बात करें नेक्स्ट की, अगर नेक्स्ट की बात करें आपको बता दें नेशनल एनिमल के बारे में दोस्तों, पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, मारखोर, और इंडिया का बंगाल टाइगर। टाइगर टाइगर तो सबको पता होगा कि भाई टाइगर तो टाइगर होता है, एक था टाइगर नहीं, यहाँ पे सिर्फ टाइगर है। फिर बात करें पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के मामले में आप देख सकते हो इसका कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में कितनी इसकी जनसंख्या है, और पॉपुलेशन के मामले में बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 2800 से 3500 बाघ यानी कि टाइगर हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है दोनों देशों में कौन सा रुपया चलता है, यहाँ करेंसी दोनों की क्या क्या है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, इंडिया में इंडियन रुपया चलता है। दोनों का देख सकते चलता है, दोनों जगह रुपया है, बस अलग अलग है कि इंडिया में इंडियन रुपया चलता है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है। तो करेंसी के मामले में बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी। कंपनी यानी कि जो किसी कोई भी देश, उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस का है, रेवेन्यू $6.9 बिलियन इसका आता रहता है, और एम्प्लॉई 4000+ है। यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कंपनी है वो किसके, ऑयल और गैस की है। इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंपनी है वो भी ऑयल और गैस की है, रेवेन्यू इसका $67 बिलियन आता है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इंप्लॉयज़ की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पे इंप्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 236,334 लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में बात करें तो 236,334 लोग ये यहाँ के इंप्लॉय हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा डिफरेंस हो गया,
इंडिया में इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है पाकिस्तान के मुकाबले। तो दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है टूरिज्म। टूरिज्म यानी दोस्तों जो हमारे घूमने आते हैं, घूमने वाले तो कई शास्त्र हैं, कई लोग हमारे यहाँ के भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को घूमना नहीं, घूमने यानी कि टूरिज्म नहीं कहा जाता है। जो विदेशों से आते हैं या फिर और जगहों से आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो टूरिज्म की बात करें तो पाकिस्तान में सालाना आप देख सकते हो 6.6 मिलियन लोग जाते हैं घूमने के लिए। हमारे यहाँ कितने लोग आते हैं? 17.9 मिलियन पर ईयर, यानी कि हमारे यहाँ हर साल 17.9 मिलियन लोग घूमने आते हैं ताजमहल देखने, आगरा में जो ताजमहल है। और भी बहुत सारी जगह हैं जो हमारे यहाँ देखने लायक है, आप भी घूमने जरूर जाएँ, शिमला मनाली बहुत सारी जगहों पर जहाँ आपका मन करे, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको जाना है या नहीं जाना है। हम बात करें नेक्स्ट की, बात करें आगे एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की। हवाई अड्डे की बात करें तो आपको बता दें पाकिस्तान में 191 एयरपोर्ट हैं और इंडिया में 426 एयरपोर्ट हैं। ये जो एयरपोर्ट हैं वो जो कॉमन मैन के यूज़ के लिए हैं, वो भी मिलिट्री के लिए और भी चीज़ों का, जितना एयरपोर्ट है सबको मिला करके ये संख्या हम बता रहे हैं। यहाँ जो इंडिया में भी है वो भी मिलिट्री, सामान्य व्यक्ति और भी जितने लोग हैं सबका जो मिला जुला करके कुल एयरपोर्ट की संख्या 426 है। आप देख सकते हो इस पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ की जो एयरपोर्ट की संख्या है 2 गुना से भी थोड़ी ज़्यादा है। बात करें अगर हम नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है रेलवे। रेलवे की बात करें तो इसका जो लंबाई आप देख सकते हो कि कितना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, तो वो पाकिस्तान में लगभग 11,881 किलोमीटर का रेलवे लाइन जो बिछाई गई वो है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में 68,525 किलोमीटर ट्रैक बिछाए गए हैं इंडिया में। दोस्तों बात करें नेक्स्ट की, अब अगर कंपेरिजन हो रहा है तो इस चीज़ को हम कैसे छोड़ सकते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? सो हमने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का तो जो इसका टॉप स्पोर्ट है वो भी क्या है? क्रिकेट है। और इंडिया में भी टॉप स्पोर्ट जो है वो भी क्या है? क्रिकेट है। टॉप स्पोर्ट का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय खेल है, यहाँ राष्ट्रीय खेल नहीं, टॉप स्पोर्ट मतलब कि जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलते हैं, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता है, इंडिया में भी। अगर इसकी बात करें वर्ल्ड कप में तो आप देख सकते हो पाकिस्तान कितनी बार जीता है, दो बार जीता है, ODI मैच भी एक बार जीता है, T20 मैच भी एक बार जीता है साथ वर्ल्ड कप वगैरह का। फिर अगर हम बात करें इंडिया की तो ये 3 बार जीता है, ODI 2 बार जीता है और T20 भी 1 बार जीता है, यानी कि T20 तो इक्वल है, ODI और वो उनके है थोड़ा सा ज़्यादा है। ये रहा क्रिकेट के मामले में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आगे है ओलंपिक खेलों की। बात करें तो ओलंपिक मेडल इंडिया में कितना आया है, और सॉरी इंडिया में कितना आया है और पाकिस्तान में कितना आया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पाकिस्तान की, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में 3 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। वहीं अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 18 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। दोस्तों अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो उसमें पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये रहा थोड़ा सा ओलंपिक के मामले में कि हमारे यहाँ कितने खिलाड़ी क्या क्या जीते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट की। आगे है इंटरनेट यूजर। आज के टाइम पे इंटरनेट यूजर कैसे बोल सकते हैं दोस्तों, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया कि ऑनलाइन पे पता नहीं क्या सब देखते रहते हैं, करते रहते हैं, बहुत सारी कुछ करते हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर की, तो वहाँ पर 126 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं और इंडिया में 883 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अगर यहीं बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पे 55.6% यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है उसकी 55.6% जनसंख्या इंटरनेट यूज करती है। इंडिया में 61.6% लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और अगर हम वर्ल्ड वाइड यहाँ पर रैंक की बात करें तो इसमें पाकिस्तान 9वें नंबर पे आता है और इंडिया दूसरे ही नंबर पे आता है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाले देशों की सूची में इंडिया दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान 9वें नंबर पे है। इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज होता है हमारे यहाँ इंडिया में। फिर हम बात करें नेक्स्ट की दोस्तों, अगर नेक्स्ट के बारे में आपको, तो नेक्स्ट है तो दोस्तों इसके बाद है लिंगानुपात यानी कि जेंडर रेशियो की। तो अगर जेंडर रेशियो की हम बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में जेंडर रेशियो जो है वो आप देख सकते हो कि 106 मेल पर लगभग 100 फीमेल है। यानी अगर हम नॉर्मली यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। अभी हाल फिलहाल के रेशियो की बात कर रहा हूँ, पहले की नहीं। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए इस समय बहुत ज़्यादा खुशखबरी कहते हैं, बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी 2021 की जनगणना के मतलब आंकड़े के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर उस आंकड़े के हिसाब से इंडिया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो चुकी है, यानी कि प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 1,020 महिलाएं हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा कहीं किसी भी देश में होना आसान नहीं होता है, जो कि हमारे इंडिया में हो चुका है कि 1,000 पुरुष पर 1,020 महिलाएं हैं। और वहीं पाकिस्तान में अभी भी ये आंकड़ा कम ही है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कुछ बहुत बड़ी बात हमारे इंडिया के लिए है, ये मतलब
बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ये रहा थोड़ा जेंडर रेशियो यानी कि लिंगानुपात के बारे में, बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है धर्म। अब जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो धर्म को कैसे भूल सकते हैं, और हम कैसे भूल भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल तो धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है, लोग मर मिट जा रहे हैं धर्म के लिए, जबकि इनका जब क्या कर सकते हैं धर्म के बारे में, लोगों का अपना अपना नजरिया है इसके बारे में, हमें क्या, हम तो बस कंपेरिजन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के अगर धर्म की बात करें तो यहाँ पे इस्लामिक सबसे ज़्यादा यानी कि मुस्लिम लोग सबसे ज़्यादा हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। लेकिन अगर दोनों देशों का कंपेयर करें तो आपको बता दें कि दोनों देशों के कंपेरिजन के मुकाबले में जो पाकिस्तान है वहाँ पर जितने हिंदू हैं उससे कई ज़्यादा, मतलब कई गुना ज़्यादा इंडिया में मुस्लिम लोग हैं, यानी हमारे यहाँ इंडिया में मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे रहते कौन कौन से धर्म के लोग हैं आप देख सकते हो, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिज्म। अब पहले तो केवल चार ही होता था, लेकिन करंट टाइम में एक और आ चुका है बुद्धिज्म, जो कि बुद्ध को मानने वाले हैं। दोनों का आंकड़ा क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स अभी जब एक साल पूरा हो जाएगा तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, और जब ये चेंज होगा तो उसके में आप देख लोगे कि अभी तो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है इंडिया के मुकाबले, लेकिन हाल फिलहाल का जो स्थिति है पाकिस्तान का उसको देखते हुए आने वाले टाइम में इसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, और इंडिया का हो सकता हो कि ग्रो हो जाए। दोस्तों ये हमारे यहाँ हैप्पी इंडेक्स आप देख सकते हो कि जो है 3.8 है और पाकिस्तान का 5.0 है। तो ये कुछ पाकिस्तान और इंडिया यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंट्री कंपेरिजन था, जो जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपको बताएं और आपको समझ में आ जाए कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या अंतर है। हमने आपको एजुकेशन, सेना, क्षेत्रफल, जनसंख्या, जीडीपी, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये हमारे यहाँ कितना है, पाकिस्तान में कितना है। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो फिर से और भी लाने वाले हैं। अभी तो ये सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, इसके बाद हम लेके आएंगे रूस वर्सेस अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद लेके आएंगे रूस वर्सेस अमेरिका, फिर भारत वर्सेस अमेरिका, और भी कई देशों का कंट्री कंपेरिजन करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा देश कितना पावरफुल है, कौन सा देश कितना मतलब कमज़ोर है, सब कुछ, मतलब सब सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को भी लाइक कर देना ताकि हमारा भी हौसला बना रहे, क्योंकि अभी ये पहला वीडियो है, कुछ गलती हुई उसके लिए क्षमा करना। और ये जो आंकड़े हमने बताया है ये डेली आपका चेंज भी होता रहता है, कुछ आंकड़े ऐसे हैं जैसे पॉपुलेशन का है, साक्षरता है, ये सब चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। सो दोस्तों ये घट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, घटेगा तो नहीं, बढ़ ही सकता है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद है लिंगान